निराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिढौरा में इन दिनों पंचायत संघर्ष समिति का एक संघर्ष जारी है पंचायत को लेकर, सिढौरा से नगर पालिका भंग करने को लेकर व दोबारा से सिढौरा के अंदर पंचायत बहाली को लेकर ये संघर्ष चल रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि पहले तीन बैठकें इस संघर्ष समिति की हो चुकी हैं अलग अलग जगहों पर शहर की कस्बे की, आज चौथी बैठक सनातन धर्म मंदिर में हुई, जहां पर खास बात ये रही कि वार्ड नंबर 10 के पार्षद नगर पालिका पार्षद अंकुश राणा ने इस संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने खुले मंच से ऐलान किया है उस समर्थन का। उसके अलावा चार पांच पार्षदों के और समर्थन की आशंका जताई जा रही है, जिस तरह से लोगों ने बताया कि चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ और जो पार्षद हैं वो इस संघर्ष समिति को अपना समर्थन देंगे। तो सुनिए क्या कुछ कहना है लोगों का। हमारे अन्य पार्षदों तक भी जाएगी और हमारे जो चेयरपर्सन हैं उन तक भी ये खबर पहुंचेगी। तो जब खबर पहुंचेगी उन तक, तो हमारा सभी का निवेदन उनसे है कि जिस प्रकार अंकुश चौहान जी ने इस पंचायत संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही है, जहां भी आवश्यकता होगी आधी रात को भी वो हमारे साथ खड़े हैं। तो मेरा निवेदन उन सभी पार्षदों से भी और चेयरपर्सन से भी रहेगा, जैसा कि पार्षद जी ने कहा है कि मुझे पार्षद सिढौरा की जनता ने ही बनाया है, सिढौरा के लोगों ने बनाया है, और जब सिढौरा के लोग ही इस नगर पालिका से खुश नहीं है तो मैं पार्षद रहकर क्या करूंगा। तो उन सभी पार्षदों से भी चेयरपर्सन से भी हमारा निवेदन है कि सिढौरे के 90% से ज्यादा लोग इस नगर पालिका से खुश नहीं है, पसंद नहीं है। तो फिर आप लोग भी, इसी सिढौरा की जनता ने आपको चुना है, मेरा निवेदन है कि आप सब पार्षद और चेयरपर्सन हमारे संघर्ष में हमारे साथी बने। धन्यवाद। मैं वार्ड 10 से पार्षद अंकुश चौहान इस सभा में आप सब लोगों के सामने ऐलान करता हूं कि पंचायत के समर्थन में अगर मेरी कहीं भी विरोध किसी भी प्रकार से मेरी स्टंप या मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आधी रात भी आपके लिए खड़ा होऊंगा। इसके अलावा मैं तो केवल ज्यादा समय ना लेके यही कहूंगा कि आप लोगों ने ये मुझे ये पद दिया था, शहर की जनता ने दिया था, जब आप लोग ही नगर पालिका से खुश नहीं है, पंचायत के हक में है, मैं भी आपके साथ पंचायत के हक में कंधे से कंधा मिलाकर तह दिल से चलूंगा और जहां मेरी जरूरत पड़ेगी आपके साथ। करता हूँ यहाँ पे पहुँचने में। आज जो हमारी मीटिंग यहाँ सनातन धर्म मंदिर में पंचायत हमने पंचायत संघर्ष समिति ने की है, उसमें वो सफल हुई है। कुछ कम जनसंख्या आने की वजह तो ये है कि कुछ लोग कावड़ लेने के लिए चले गए, कुछ लोगों ने शिविर लगा रखा है, और शिविर में भी कम से कम हमारे 20-25 जो लोग हैं वहाँ पे काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं कावड़ियों की। अगला जो हमारी रूपरेखा है हमने तैयार की है कि जैसे ही हमें सीएम साहब से टाइम मिलेगा हम सीएम साहब से मिलेंगे और हम एमसीओ के साथ भी संपर्क में आएंगे। दो एमसी तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे को यहाँ आश्वासन दे दिया कि हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं, जैसे वार्ड नंबर 10 से अंकुश चौहान जी है और वार्ड नंबर 4 से सुनीता जी है जो एक्स सर्विस मैन जी की धर्मपत्नी है। और सबसे पहले और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कम से कम अपने साथ दो बंदे तो लेके आए, और जो ये ग्रुप बनाया है ग्रुप के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो भी आगे, तब भी हमारे लिए ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचाना बहुत आसान है और लोग हमारे साथ और भी ज़्यादा जुड़ेंगे। पर कुछ लोगों के दिमाग में साथ ये बात होगी ये आगे हो रहा वो आगे रहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिस भाई को भी इस बात से इतराज हो कि ये लोग आगे हो रहे हैं, आप लोग आगे आ जाओ, हम इसको आप लोगों को सौंप देंगे। देखो ये तो है नहीं है कि ये मेरा कल्ले का काम है, ये तो पूरे शहर का काम है, पूरे समाज का काम है, पूरे के पूरे इस सिढौरा नगर का काम है भाई। ये सारा का सारा नगर इकट्ठा होगा तब जाके सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी, अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा तो आप सभी से अनुरोध है कि भाई
शनिवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रविदास रामदासिया मोहल्ले में पहुंचकर हमारी इस पंचायत संघर्ष समिति को सफल पूर्वक आगे बढ़ाएं। आप सभी का धन्यवाद। जैसे कि आप बता रहे हैं कि दो पार्षदों ने तैयार हैं इस्तीफा देने के लिए, तो आगे जो और जो बचे पार्षद उनसे कैसे बातचीत किया जा रही है? उनसे भी हम देखो जैसे जैसे हम उनके संपर्क में हैं, कुछ अभी भी चार और संपर्क में हैं, शायद जो आगे चार वो जो MCA है वो हमारे संपर्क में आ चुके हैं। हम कल या परसों उनसे मिलकर, जैसे हमारी कमेटी जो डिसीजन लेगी उनसे मिलकर, उनसे भी हम बात करेंगे। अगर हो सका तो वो ये सारे मिलकर हमारे साथ CM पर के पास भी जाने के लिए तैयार है।